हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान से पूछे जाने वाले बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और इंडियन पॉलिटी के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, चाहे वो DSSSB हो या कोई भी एक एग्ज़ाम हो आपका, उसमें अगर पेपर 1 होता है तो उसमें आपके पूछे जाते हैं। बाकी आपको पता है इंडियन पॉलिटी का कितना बड़ा रोल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगर हम इंटरिम प्रेसिडेंट की बात करें तो वो आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा। और वहीं पर आफ्टर बाद की अगर हम बात करें, बाद में आपके बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और साथ में ही वाइस प्रेसिडेंट बने थे आपके HC मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्स इज रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। सो म्यूनसिपैलिटीज के बारे में आपका 12th शेड्यूल में बताया गया है। जो 74वां अमेंडमेंट था, 74th अमेंडमेंट था, वो आपका म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है। वहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि 73rd अमेंडमेंट, तो वो आपका था पंचायत से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गिव द राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन। बच्चों को अगर हम बात करें तो वो 86वां संशोधन है, यानी कि अमेंडमेंट आपके ऐसे अमेंडमेंट होते हैं जिसमें कुछ भी फेरबदल किया जाता है आपके संविधान से रिलेटेड। तो ये आपको 86वां संशोधन बताता है कि बच्चों को, यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को आपको शिक्षा देनी होती है। वहीं आर्टिकल इसके रिलेटेड है 21A, जो आपको डायरेक्ट बताता है कि राइट टू एजुकेशन। हाउ मेनी फॉर्मर प्रेजिडेंट हैव बीन अवार्डेड भारत रत्न, मतलब कि भारत रत्न से सम्मानित आपके कितने राष्ट्रपति अभी तक हो चुके हैं? तो वो आपके 6 राष्ट्रपति हैं, और उन 6 को आप देख सकते हैं आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर VV गिरी और प्रणब मुखर्जी। तो ये आपके 6 प्रेसिडेंट हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन हुज रिकमेंडेशन। तो ये किसकी रिकमेंडेशन से? तो ये ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये जितने भी आपके हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हो, चाहे स्पीकर ऑफ लोकसभा हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, सभी की इनकी प्रेजेंटेशन से, यानी कि सभी की सहमति से ये आपके। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ स्टेट। अगर गवर्नर ऑफ स्टेट है तो इसमें आपको सबको पता होगा, दैट इज, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना जरूरी ही है। तो एक क्वेश्चन ए ऑप्शन तो बनता ही है टिक, ए के साथ साथ में आपका एक शुड बी कंप्लीटेड एट 35 एज। तो कम से कम 35 साल उन्होंने कंप्लीट कर ली हो। सो ए और 3 कंप्लीट हो जाती है आपके, और ये आपका बताया गया है आर्टिकल 157 में इसके बारे में। वहीं पे अगर हम बात करें, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट 10th शेड्यूल ऐड किया गया, जिसमें आपके जो स्पेशल राइट देता है सिक्किम को। तो अगर हम 10th शेड्यूल की बात करें तो 35वां अमेंडमेंट किया गया था, उसमें आपका सिक्किम को स्पेशल राइट दिया गया था। वहीं अगर हम बात करें कि सिक्किम को प्रोटेक्टरेट स्टेट ऑफ इंडिया कब बनाया गया, तो 1947 में इसको बनाया गया। आपको पता है कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया। और अगर हम बात करें पार्ट 1 की, यानी कि आर्टिकल 1 से 4 तक हमारा क्या कहता है, जो बताता है हमें यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में। आर्टिकल 2 वहीं पे हमें सिटीजनशिप के बारे में बताता है, मतलब कि पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक हमारा किसके बारे में दे रखा है, सिटीजनशिप के बारे में दे रखा है। तो ये मोटी मोटी चीज़ हमें पता रहना चाहिए कि पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि 12 से 35 तक आर्टिकल है, और राइट टू फ्रीडम हमें 1922 तक, ये भी आपके पार्ट 3 में है। वहीं पे राइट टू एजुकेशन 21A इसमें बताता है। तो ये सारे कुछ है जो हमें हमेशा पते होने चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो ये आ गया है राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी की अगर हम बात करें तो राइट टू इक्वलिटी आपका बन जाता है, दैट इज 14 से 18 तक, यानी कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, जो कि आर्टिकल 14 आपको ये बताता है कि आपको पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब कि कानून की नज़रों में सभी एक समान हैं,
ठीक है, यह आर्टिकल 14 बताता है, और आर्टिकल 15 आपको कहता है कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है आपको, चाहे वो किसी धर्म से बेस पे हो, रेस यानी कि किसी के नस्ल के बेस पे हो, कास्ट यानी कि किसी की जाति के बेस पे हो, सेक्स यानी कि लिंग पे बेस पे हो, या फिर आपका किसी भी तरीके का बर्थ ऑफ प्लेस अगर हो, तो वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है, ये आर्टिकल 15 हमें बताता है। आर्टिकल 16 हमें बोलता है कि अपॉर्चुनिटी सभी को बराबर मिलनी चाहिए, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर गवर्नमेंट की जो भी जॉब निकलती है। आर्टिकल 17 वहीं पे हमें बताया एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत के विरुद्ध आपको क्या करना है, थोड़ा सा किसी के साथ भी छुआछूत नहीं करनी है, ये हमें आर्टिकल 17 बताता है। और एबोलिशन ऑफ टाइटल ये बताया आर्टिकल 18 में हमें बताता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि आपको कोई भी अगर टाइटल मिला है उसको आप आगे नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं लगा सकते, आप राजा नहीं लगा सकते आगे, आगे कोई नवाब नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे आगे नहीं लगा सकते हैं ये सारे आर्टिकल, ठीक है, टाइटल्स। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन कैनॉट बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी, तो सिंपल मेजोरिटी के से कौन सा इनमें से ऐसा प्रोविजन है जो सिंपल मेजोरिटी से नहीं अमेंड किया जा सकता, यानी संशोधन नहीं किया जाता, तो DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम आर्टिकल 368 हमें ये प्रोवाइड करता है कि टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट है, आर्टिकल 368 हमें बताता है कि दो टाइप के आपके अमेंडमेंट हैं, एक आपका सिंपल मेजोरिटी से, एक आपका स्पेशल मेजोरिटी से। तो जो आपका DPSP है इसको हम सिंपल मेजोरिटी से नहीं, हम स्पेशल मेजोरिटी से, या फिर जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें अगर कुछ भी चीज़ करनी हो तो वो आपके स्पेशल मेजोरिटी से चेंज हो सकते हैं वहाँ पर। ऑन विच रिकमेंडेशन द प्रेजिडेंट डिसॉल्व्स द लोकसभा, तो लोकसभा अगर हम बात करें तो ये आपके कैबिनेट की मदद से, यानी कि कैबिनेट आपके बोलते हैं, ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82 हमारे को जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान है वो हमें यह अनुमति देता है कि हम डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। अगर लोकसभा की बात करें तो आपको पता है एक भारत की एक संसद है, संसद के आपके दो हिस्से हैं, एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। अपर पार्ट को हम बोलते हैं राज्यसभा और लोअर पार्ट को बोलते हैं हम लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा या फिर हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। सो इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चंस ख़त्म हुए, और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आगे के भी हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं अगर आप कहेंगे। सो ये इंडियन पॉलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल वी मीट स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।